हो गया गाइस, और हम यहाँ पे खड़े हैं और हमें कोई भी लिफ्ट नहीं दे रहा है। वो हाईवे है और यहाँ पे उसका स्टॉल है चॉकलेट। कैसा लग रहा है? एक नंबर भाई, चॉकलेट चाहिए। काफी गर्मी है आज भागलपुर में, गर्मी लग रही है आज। लोग तो जानते भी नहीं शायद लिफ्ट का मतलब होता क्या है। मैं हाथ लिए जा रहा था, पुलिस वाले अंकल जो है पैदल जितना देर हो सकता है उतना दूर चलते हैं। तो गाइस आज एग्ज़ाम का लास्ट डे है और हम लोग एग्ज़ाम देने आए थे। एग्ज़ाम हो गया हम लोग का, तो आज पहली बार हम लोग लिफ्ट ट्राई कर रहे थे कि कोई लिफ्ट दे दे हम लोग को। तो पहले हमने एक चचा से मांगा रोड पे, मतलब अंदर गली वाले रोड पे, तो वहाँ पे हमें नहीं मिला। फिर आगे चल के आए तो एक चचा और आए, तो उन्होंने हमें दे दिया लिफ्ट। फिर हम हाईवे तक आए, फिर हाईवे पर हमने एक और लिफ्ट ली, उस भाई ने तुरंत दे दी। और अभी हम यहाँ पर हैं, यहाँ पर एक चाय दुकान है जहाँ पे मेरे उस दोस्त को चाय पीना था। तो सब लोग अच्छे हैं यहाँ पे, और हम आज ट्राई कर रहे हैं कि आज हम यहाँ से घर तक लिफ्ट मांग के पहुँच जाएं। पैसा है हमारे पास, बट हम लिफ्ट ट्राई कर रहे हैं कि कोई देखते हैं कितना अच्छे लोग हैं, हमें घर तक पहुँचा देते हैं कि नहीं। तो मिलते हैं आगे, अभी के लिए देख सकते हैं व्यू। काफ़ी गर्मी है आज भागलपुर में, गर्मी लग रही है आज। देखते हैं आगे क्या होता है। और हमारा चाय बन के रेडी हो चुका है, देखते कैसा है। चॉकलेट ही है लो, और ये बंदा पिएगा चाय। तो हमें पता नहीं था कि यहाँ पे कोई चाय वगैरह मिलता है, बट यहाँ पे चॉकलेटी चाय मिलता है। कल हमारा एक दोस्त हमें यहाँ पे लेकर आया था, और ये टी स्टॉल हाईवे के पास है, मतलब हमारे स्कूल वाले गली से थोड़ा सा दूर है। देख सकते हैं यहाँ पे एक है, यहाँ पे एक वाहन प्रदूषण जांच केंद्र है, वहाँ पे एक चॉकलेटी चाय मिलता है। और मतलब मैं तो चाय नहीं पीता हूँ, बट ये पीता है और इसको पी के बहुत अच्छा लगा। बताइए कैसा लग रहा है? एक नंबर भाई, चॉकलेट चाय तो इसको काफ़ी अच्छा लग रहा है पी के। तो अगर किसी को पीना हो तो यहाँ पे आके ट्राई कर सकते हैं, ये अच्छा चाय बनाते हैं। और फिर चाय पीने के बाद, मतलब उनके पीछे थोड़ा सा स्टॉल था तो हम वहाँ से इधर आ गए। यहाँ पे काफ़ी अच्छा व्यू है और बहुत अच्छा हवा चल रहा है, मतलब शानदार लग रहा है यहाँ पे आके। वो हाईवे है और यहाँ पर उसका स्टॉल है, और इधर पूरा व्यू आप देख सकते हैं। अब खेत में आके काफ़ी सुकून है यहाँ पे, और बहुत मस्त लग रहा है यहाँ पे। ठंडी हवा चल रही है, नॉर्मल हवा चल रही है, गर्मियों वाली जैसी, अच्छा लग रहा है यहाँ पे। 20 से 25 मिनट हो गया गाइस, और हम यहाँ पे खड़े हैं और हमें कोई भी लिफ्ट नहीं दे रहा है। तो बंदे देख के भी इग्नोर मार दे रहे हैं। आगे तक छोड़ दीजिएगा, और हमें मिल गया। फाइनली 20 मिनट के बाद हमें एक गाड़ी वाले भैया मिल गया, जिसने हमें बाईपास तक दे दिया। लेकिन बाईपास से हम फिर से एक लिफ्ट मांगेंगे जो हमें भागलपुर तक छोड़ देंगे। अभी देखते क्या होता है, क्योंकि वो लोगों को बहुत शर्म भी आता है मांगने में, बट शर्म की कोई बात नहीं। आपके पास पैसे अगर ख़त्म हो जाए तो आप लिफ्ट मांगोगे ना, ऑब्वियसली बात है। हम बस देखना चाहते हैं कि यहाँ पे लोग कितने, मतलब बोलते हैं कि बिहार में लोग जल्दी किसी की मदद नहीं करते, तो हम देखना चाहते हैं कि कितने लोग हैं जो मदद कर देते हैं। तो अभी तक तीन बहुत सारे लोग हैं, मतलब। और देख सकते हैं रोड बन रहा है, रोड को थोड़ा सा अच्छे से बनाया जा रहा है, 4-way लाइन पास किया जा रहा है भागलपुर। तो अभी उसी का वर्क चल रहा है, और हम यहाँ से किसी से लिफ्ट मांगते हैं। और अभी 10 मिनट हो चुके हैं और हम लोग फिर से ब्रिज के पास खड़े हैं, और हमें कोई भी लिफ्ट नहीं दे रहा है। ऑटो वाले रुक रहे हैं, बट क्योंकि हम उनको बोल दे रहे हैं हमारे पास पैसे नहीं है, इसीलिए वो भी चले जा रहे हैं। अभी देखते हैं आगे थोड़ी देर में और क्या होता है, कोई देता है कि नहीं देता लिफ्ट। भागलपुर यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है, 2-3 किलोमीटर होगा, बट लोग फिर भी लिफ्ट नहीं दे रहे हैं, देखते हैं। तो आधा घंटा खड़े रहने के बाद वहाँ पे बहुत देर खड़ा रहना पड़ा। कुछ लोग तो जानते भी नहीं शायद लिफ्ट का मतलब होता है क्या है। मैं हाथ दिए जा रहा था, लोग मतलब इग्नोर करके चल जाते और कुछ घूर के देख रहे होते। बट खैर कुछ देर के बाद एक स्टूडेंट आया, मतलब स्टूडेंट ही था वो, ट्यूशन से कहीं से आ रहा था, उन्होंने हमें लिफ्ट दे दिया और हम लोग खैर यहाँ पे पहुँच गए। अभी हम लोग अली, क्योंकि वो बंदा अलीगंज तक उसको जाना था,
तो हम लोग अलीगंज में पहुंच गए हैं और अभी अलीगंज से आगे की तरफ जा रहे हैं। देखते हैं यहाँ से कितना लिफ्ट मिलता है हमें घर जाने के लिए। अभी तो फिलहाल यहाँ पे जाम है, मतलब ट्रैफिक फ्री हो गया अभी, देखते हैं फिर आगे। फाइनली वहाँ से भी हमें एक लिफ्ट मिल गई थी, बट हमें पता चला कि यहाँ पे चेकिंग होती है इस रोड पे, तो हम लोग दो लोग पहले से थे और जो चलाएगा गाड़ी वो तो ट्रिपल लोडिंग हो जाएगा। तो ड्यू टू ट्रिपल लोडिंग हम मतलब उतरना पड़ा हमें, क्योंकि ये पुलिस वाले अंकल जो हैं ये पेट्रोलिंग कर रहे थे आगे से, तो हमें उतरना पड़ा, वो अंकल उतार दिए। तो अब यहाँ से लिफ्ट सोलो के लिए ईजी रहता है, मतलब मिल जाता है ज़्यादातर, मिल लोग चाहे तो दे देता है, बहुत सारे लोग दे देता है। बहुत सारे लोग इसलिए नहीं दे रहा था क्योंकि ट्रिपल लोडिंग हो जा रहा था, तो वो बोल रहे थे कि ट्रिपल लोडिंग आगे चेकिंग चलता है, तो हमें लगा कि झूठ बोल रहा होगा, क्योंकि हमें लगता है कि डायरेक्टली गोरट्टा चौक पे चेकिंग चेकिंग चलता है, क्योंकि वहाँ पे पुलिस स्टेशन है और फिर वहाँ पे बाईपास के बाद, बट यहाँ पे चेकिंग चलता है, इसीलिए हम लोग उतर गए। और अब यहाँ से ऑटो कर लेते हैं या फिर पैदल जितना देर हो सकता है उतना दूर चलते हैं। तो आज अच्छा लगा, मतलब लोग बहुत सारे अच्छे थे जो बहुत दूर दूर तक लिफ्ट दे दी हमें, तो लोग अच्छे भी हैं यहाँ। वैसे भागलपुर में बहुत लोग अच्छे हैं। तो हमें लास्ट आके में लास्ट वाला भी लिफ्ट मिल गया, क्योंकि हम अपने घर के बहुत से गरीब थे, 2 किलोमीटर हुआ, 2 किलोमीटर का हमें और हम लिफ्ट लेके आ गए, मतलब शहर के अंदर बंदों ने दे दी, क्योंकि यहाँ पर का तो हमें पता है कहाँ पे ट्रैफिक होता है, कहाँ पे चेकिंग होता है। तो फाइनली घर पहुँच गए और आज पूरा वहाँ से लेकर यहाँ तक पैदल सिर्फ चले हैं और खाली लिफ्ट लेकर आए हैं। उधर हमने 5 लिफ्ट लिए और 5 लिफ्ट लेके पहुँचे। खैर लोग बहुत अच्छे हैं, लिफ्ट दे देते हैं, रुकने पे लिफ्ट दे देते हैं, बट यहाँ के ज़्यादातर लोग अगर आप बाहर से आ रहे हो या फिर यहीं से बाहर की तरफ जा रहे हो, तो लोग ज़्यादातर हम इशारा मतलब साइन नहीं समझते हैं, उनको ऐसे ऐसे हाथ दे के रोकना पड़ेगा आपको, एंड देन उसको बोलना पड़ेगा कि हम आगे तक जाना चाहते हैं या फिर आप कहाँ जाना चाहते हैं। यहाँ के लोग वैसे ही समझते हैं, आप बिल्कुल भी बोल सकते हो नहीं। आज के लिए बस इतना ही।